अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था विप्र सेवा संघ ने 400 आयोजन पूरे होने के उपलक्ष्य में नेत्रहीन विद्यालय तोपखाना रीवा में सभी बच्चों का निशुल्क मेडिकल कैंप कराया गया। विद्यालय के प्रभारी द्वारा बच्चों के लिए संगीत का सामान जैसे हारमोनियम, बड़ी दरी, 10 कंप्यूटर टेबल और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला से की गई। संघ की तरफ से विद्यालय प्रभारी शंकर मिश्रा को सभी वस्तुएं उपलब्ध करा दी गई हैं। अनन्या के जन्मोत्सव में बच्चों का निशुल्क मेडिकल चेकअप डॉक्टर के परोहा और डॉक्टर एसएन तिवारी के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें दांतों की सफाई और आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। हर महीने 50 पेस्ट निशुल्क दिए जाएंगे। संघ द्वारा साल और श्रीफल देकर वृद्धजनों का सम्मान किया गया, जिनमें डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी, डॉक्टर के परोहा, गंगा अवस्थी, धीरेन्द्र सिंह, गीता सिंह को सम्मानित किया गया है। अनन्या के जन्मोत्सव पर बच्चों को फल, नाश्ता और केक भी बांटे गए। सभी के साथ जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, साथ ही साथ बच्चों ने सुंदर संगीत भी सुनाया। विप्र सेवा संघ के पीआरओ डॉक्टर आरती तिवारी और पुष्पा शर्मा ने बताया कि विप्र सेवा संघ की नींव 2016 में राजीव शुक्ला ने रखी थी। 6 सालों में संघ ने 400 आयोजन पूर्ण कर लिए, जिसमें मुख्य रूप से धर्मशाला का निर्माण, अनाथालय, नशा मुक्ति, रक्तदान, नेत्रहीन, मूक बधिर, वृद्धाश्रम, झुंगी झोपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद, वृहद मेडिकल कैंप, अनाथालय, नदी तालाब, सफाई अभियान, निर्धन कन्याओं का विवाह, स्वच्छता अभियान, कोरोना काल में 20,000 लोगों का भोजन, मास्क और टीकाकरण, वृहद 20 राज्यों में पौधारोपण, भोजन, प्राकृतिक आपदा में सहयोग, निशुल्क पढ़ाई, जरूरतमंद बच्चों की फीस, गंभीर बीमारियों में आर्थिक सहयोग, हॉस्पिटल में निशुल्क आवश्यक सामग्री, स्वरोजगार, सड़क सुरक्षा आदि कार्य प्रमुखता से किए गए। विप्र सेवा संघ की केंद्रीय कोर कमेटी सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहती है। संघ की खासियत ये रही, आज तक कभी 1 रुपए का अनुदान या सरकारी सहयोग नहीं लिया। कार्यालय में संरक्षक डॉक्टर के परोहा, डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी, राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीसू सिंह, धनंजय सिंह, गीता सिंह, डॉक्टर आरती तिवारी, पुष्पा शर्मा, धीरेन्द्र सिंह, प्रशांत शुक्ला, संतोष मिश्रा और ज्ञानेन्द्र सोनी शामिल रहे। यहाँ का जो 5वां जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है, इस दिव्यांग विद्यालय में बहुत प्रसन्नता की बात है। अपने घर में तो सब जन्मदिन मनाते हैं, पर ऐसी जगह में आकर के इन बच्चों के साथ में मनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये बच्चे, जितने दिव्यांग बच्चे हैं, ये सब हमारे राष्ट्र के होनहार बच्चे हैं, एक से एक प्रतिभाएं हैं इनमें, और इन बच्चों को सामान्य मत समझना। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।